नमस्कार दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो कृष्ण के भक्त भी हैं, वो हमें राधे राधे लिखते हैं, तो राधे राधे जी आप सभी को। दोस्तों किसी ने मुझसे पूछे थे कि हमारे फ्रेंड्स ही हैं, कमेंट करके पूछे थे हमारे वीडियो में कि हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज मनाने का कोई फार्मूला नहीं होता है। गांव देहात है, गांव देहात में जहां तक जितनी लोगों के पास जानकारी होती है, अपने जानकारी में ही उसी में आदमी उसी श्रद्धा से उसी भक्ति से जन्माष्टमी मनाते हैं। तो देखिए, मेरे घर में हर साल मेरे जो बच्चे हैं और आसपास के कुछ बच्चे जो है मिलके जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे बच्चे जो है मेरे बहुत सारे जो है देखिए सजावट किए हैं अपने हिसाब से, जो भी उनके पास खिलौने मिल पाए हैं वो अपने खिलौने यहाँ पे ला के, पुराने सारे खिलौने ही हैं क्योंकि जानते हैं बच्चे तो नया खरीद ही नहीं पाएंगे, तो वो सारे जो है खिलौने। और देखिए किस तरह से वो पहाड़ बनाए हैं, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है। इनकी क्रिएटिविटी देख के मुझे बहुत खुशी होती है, ये कहीं से सीखे नहीं है और अपने आप इन्होंने इसको सजाए हैं। मैं इनके सजाने में कोई मदद नहीं की हूँ, ये लोग खुद अपने से डेकोरेट किए हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरे गांव में कुछ बच्चे जो हैं जगह जगह पे इस तरह से मनाते हैं, तो आज मुझे कुछ बच्चे जो हैं गांव में बुलाए हैं, वो चाहते हैं कि उनकी वीडियो मैं बना के अपने चैनल में दिखाऊं, वो चाहते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी को पूरी दुनिया देखें। हालांकि यहाँ कोई यूट्यूब तो नहीं चलाता, सिर्फ मैं चलाती हूँ, तो वो मुझे बुलाए हैं तो इस खुशी में। तो चलिए यहाँ से मैं चलती हूँ आपको लेकर वहाँ गाँव में और उन बच्चों से आपको मिलवाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ गांव में और जो बच्चे जो है हमें बुलाए थे वो देखिए पीछे कितनी अच्छी सजावट किए हैं। तो रुकिए, आपको बैक करके मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये सारे बच्चे अभी तक जो है लगे हुए हैं और ये सुबह से ही लगे थे और देखिए शाम हो गया है, अंधेरा भी और हम आ गए हैं, तो इसको सजाने में सबसे बड़ा हाथ जो है ये बच्चों का है। तो चलिए इसके देखते हैं सजावट को। चलो भाई, तुम अपना सजावट को दिखाओ। तो ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे ये हमारे गांव के बच्चे हैं और इतना बढ़िया जो है ये सजाए हैं, विश्वास नहीं होता ये गांव के बच्चे, और सब कुछ इन्होंने अपने हाथ से ही बिल्कुल बनाए हैं और कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, इस सजावट का सबसे बड़ा श्रेय जो है ये दोनों प्यारे बच्चों को जाता है, इन्होंने बहुत ही मेहनत से देखिए कितना बढ़िया जो है सजावट किए हैं। तो क्रिएटिविटी जो है दोस्तों कहीं भी ये एक छुपा हुआ नहीं है, ये गांव देहात शहर हर जगह नजर आ जाता है। तो देखिए हमारे गांव के बच्चे जो है कितना अच्छा सजाए, तो इन बच्चों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सो प्लीज दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग हो सके तो इन बच्चों के लिए वायरल कर दीजिए। इन्होंने हमें बुलाए थे ताकि मैं इनकी जो क्रिएटिविटी को हो आपके सामने दिखा सकूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अभी तो हमारे बच्चे जो है यहाँ पे डांस भी करेंगे, तो सारे बच्चे जो है एक साथ बोलना कृष्ण भगवान की जय। सो गाइस, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, चलते हैं। अभी तो सारे बच्चे जो है कुछ फ्रेश होने वाले हैं क्योंकि ये थक गए हैं और अभी तैयार होंगे और डांस करेंगे, तो चलिए मिलते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखिए दोस्तों, हम फिर आए हैं और ये देखिए बच्चे जो है पूजा पाठ अच्छे से कर लिए हैं, और उसके बाद देखिए बच्चे सब जो है यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत करेंगे, वो सब खुद से ही तैयार किए हैं। हालांकि मैं सारे प्रोग्राम आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये सारे म्यूज़िक पर हैं और यूट्यूब पे किसी और के म्यूज़िक कॉन्टेंट डालने पर कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो मैं बस थोड़े से आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये पहला प्रोग्राम और इसमें ये बच्चे जो है एक कृष्ण और यशोदा माँ का रोल निभा रहे हैं। तो ये म्यूजिक पर है, तो इसमें कृष्ण जी है अपने यशोदा माँ से एक दुल्हन के लिए बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको किस तरह की दुल्हन चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए,
तो अपनी माँ से कह के बता रहे हैं। और ये वही बच्चा इस रोल को प्ले कर रहा है जिसने ये सारे डेकोरेट किए हैं। नाम है इनका आदर्श और ये मेरे गांव के बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही होनहार है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए, और लाइक तो प्लीज़ आप कर ही दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अब आपसे फिर अगले वीडियो में। हालांकि मैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कुछ और प्रोग्राम को एडिट करके देने की। क्योंकि दोस्तों मैंने जब पिछली बार कजरी के वीडियो डाले थे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चले, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेंट है वो ब्लॉगर है हम, और हमारा कॉन्टेंट जो है किचन से भी रिलेटिव है, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग पे बहुत ही कम चलते हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल्स भी बहुत ग्रो नहीं करते हैं। ये तो मैं केवल आपको मेरे फ्रेंड्स जो है कमेंट किए थे कि हमारे यहाँ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको मैं दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए और मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, राधे राधे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं आपसे फिर। बहु ऐसी हो चाल हो तो चाल 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 चटकीली चाल चपलासी चमके और गले माल मेली हो बिल्ला सी बेली बेली देहा आला बेली 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 सी हथेली और नुक्ता तो चंदू शर्मा ऐसी बहु हो। अरे चंदा